नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्यन विसर्जन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिछले दिनों के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए, और आज हम फिर 14 जुलाई का जो है करंट अफेयर्स जितने भी रिलेटेड हैं उसको लेके आए हैं। और दोस्त बता दें कि जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उसको भी मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने डेली बाय डेली जो है करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 7 डे के जो हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स हैं उसको मैं आपको, मान लीजिए जुलाई के जो 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गया, तो 1 सप्ताह का और 2 सप्ताह का जो आपको उसका वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है सर। तो चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सर, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो की अपडेटेड हो आपको मिलती रहे, और आप करंट अफेयर्स की जानकारी प्राप्त करते रहें जो अनेक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है सर। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया। हाल ही में जो विश्व मलाला दिवस है वो कब मनाया गया। तो जो विश्व मलाला दिवस है वो आपको 12 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया, ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का जो है पहला देश कौन बना है। हाल ही में जो कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने का दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो जो रूस देश है, रूस देश का जो रूसिया है वो दुनिया का पहला देश जो है कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को जो है पूरा करने का जो है पहला देश बना है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में क्वालकॉम वेवर्स ने जियो प्लेटफार्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में क्वालकॉम वेवर्स ने जियो प्लेटफार्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है। तो जो हिस्सेदारी की है वो आपका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.15%, ठीक है। तो जो जियो प्लेटफार्म है इसमें जो है लगभग 350 करोड़ रुपए की जो है लागत लगी, और इसमें जियो के जो क्वालकॉम है इसमें जो है 0.15% की जो है हिस्सेदारी ली है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। तो जो प्रत्यर्पण संधि है उसको खत्म करने की जिसने घोषणा की है, किस देश ने की, तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है हांगकांग के साथ जो है प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की जो है घोषणा की है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैक चार्ल्टन का जो निधन हुआ है वो कौन थे। तो जो जैक चार्ल्टन, इनका जो निधन हुआ, ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। कौन थे? एक फेमस प्रसिद्ध फुटबॉलर जैक चार्ल्टन थे जो इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है निवेश करने की घोषणा की है। तो जो गूगल ने मिलियन में अमेरिकी डॉलर का जो है निवेश करने का घोषणा किया है वो लगभग में 10 मिलियन डॉलर जो है, कितना, 10 मिलियन डॉलर, इतना जो है निवेश करने की घोषणा की है किसने, गूगल ने भारत में, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए,
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है भारत की पहली ई लोक जो अदालत है उसका आयोजन किया है? तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है, वो सी घाट ऐप लॉन्च किया है और पढ़ई तुहार द्वारा ऐप्स जो है स्टूडेंट से जो संबंधित है, पढ़ई तुहार द्वारा ऐप्स है, इसको लॉन्च किया है। और बता दें सर कि जो राजीव गांधी किसान योजना न्याय योजना शुरू किया है वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। और जो पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के स्पंदन अभियान को शुरू किया वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश में 72,000 कितने 72,000 SIG 716 यानी 716 असाल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? कितने SIG 716 असाल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका ने जो है, भारत ने अमेरिका से जो है 72,000 SIG 716 असाल्ट राइफल खरीदने की जो है घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और हाल ही में ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो ली सियन लुंग जो बने हैं वो आपके सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सिंगापुर के जो है ली सियन लुंग जो है प्रधानमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है रोको टोको अभियान चलाने की जो है घोषणा की है? किसकी? रोको टोको अभियान ये चलाने की जो है घोषणा की है। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार, MP की जो सरकार है, उसने जो रोको टोको अभियान है उसको चलाने की जो है क्या की है? घोषणा की है। और बता दें कि जो मजदूरों के लिए कुशल श्रमिकों के लिए जो है रोजगार सेतु योजना शुरू की है। इससे पहले भी एक नौकरी अभियान चालू की थी, जो नौकरी देने के जो अभियान था उसको चालू की थी। और इसके बाद जो है जीवन शक्ति योजना मस्क महिलाएं बनाएगी जो 11 रुपये में, ये योजना जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की थी। और जो टॉप पेरेंट ऐप फॉर जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो टॉप पेरेंट ऐप्स को लॉन्च किया वो मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। और सब बताते हैं कि जो संकल्प योजना है उमरिया जिला जो बुजुर्गों की सहायता के लिए जो प्रदान करती है, इस ऐप जो योजना है इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही लागू किया है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, हाल ही में स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 यानी 2020 जो स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स है इसको किसने जीता? जो तो जो लुइस हैमिल्टन जो है इसने स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जो है जीता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य को से जो है बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? किसका? सूखी मिर्च का जो है परिवहन किया। तो जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, ये भारतीय रेलवे ने पहली बार जो है आंध्र प्रदेश की सरकार को बांग्लादेश के लिए सूखी मिर्च का जो है परिवहन किया। और बता दें सर कि जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशनों पर जो है लागू की है। और जो नौरानो पेदलांतिकी जो कार्यक्रम है ये आंध्र प्रदेश में चालू है। और जगन्ना विद्या दीवाने योजना ये आंध्र प्रदेश में ही लागू है। और जो निकाह ऐप्स कोविड फार्मा जो कोविड-19 से जो निकाह ऐप्स लॉन्च किए हैं इससे जो है कोविड-19 से जितने भी रिलेटेड जो है आपको जानकारी लेने आप ले सकते हैं, वो भी जो आंध्र प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन में FDI के जरिए जो है सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना? तो FDI के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला जो देश बना है वो आपका अमेरिका बना है। कौन सा बना है? अमेरिका बना है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में CII ITC सस्टेन
बिलिटी अवार्ड 2019 का जो है किसने जीता था? तो जो एनटीपीसी ने जीता था। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। हाल ही में किस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए जो है स्थगित किया गया है? तो 2021 के लिए जो है स्थगित किया गया है। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सर, हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है सर।